नमस्कार, बिफोर प्रिंट डॉट इन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार दौरे पर आए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज रविवार को पटना साहिब पहुंचे। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह महाराज के चरणों में मत्था टेका और गुरु महाराज से आशीर्वाद लिया, साथ ही देश में शांति और देश की तरक्की के लिए दुआएं मांगी। इस मौके पर पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव, रविशंकर प्रसाद, स्थानीय विधायक नंद किशोर यादव, ऋतुराज सिन्हा समेत बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। बता दें कि राजधानी पटना में बीजेपी के 7 राष्ट्रीय मोर्चों की 2 दिवसीय संयुक्त कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है। इसमें शामिल होने के लिए शनिवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना आए हैं, वहीं आज गृह मंत्री अमित शाह भी बिहार आ रहे हैं। कार्य समिति में शामिल होने देश भर से 750 नेता पहुंचे हैं। बता दें कि कल यानी 30 जुलाई को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस कार्यक्रम में शामिल होने पटना पहुंचे थे, जबकि आज 31 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह पटना आएंगे। कार्य समिति में शामिल होने देश भर से 750 नेता राजधानी पटना पहुंचे हैं। अमित शाह के भव्य स्वागत की तैयारी बिहार बीजेपी ने पूरी कर ली है। एयरपोर्ट से लेकर ज्ञान भवन तक चप्पे चप्पे को होर्डिंग बैनर तथा तोरण द्वारों से पाट दिया गया है। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह 31 जुलाई को दोपहर 1:30 पर पटना पहुंचेंगे। 3:30 पर वह ज्ञान भवन पहुंचकर जेपी नड्डा के साथ संयुक्त मोर्चा के समापन सत्र में भाग लेंगे। वहीं शाम 5:30 दोनों नेता पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे और यहां कुछ बैठकों में शामिल होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा रविवार को कई कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। सुबह मोर्चे की शोभा यात्रा का अवलोकन करेंगे तो दोपहर 12:00 प्रदेश कार्यालय से 16 जिलों में तैयार भाजपा जिला कार्यालयों का उद्घाटन व 7 जिलों के भवन निर्माण का शिलान्यास करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।